इस वक्त मैं ताबो में एक रेस्टोरेंट में थुकपा खा रहा हूँ, वेज थुकपा। खैर, बताना ये था, मैंने कहा था कि मैं मोबाइल नेटवर्क कवरेज और ATMs, इन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मोबाइल नेटवर्क और ATMs वगैरह के साथ में, वो बता देता हूँ। मेरे पास में जियो और एयरटेल और वोडाफोन, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, ये तीन सिम्स थे। जियो रिकॉन्गपियो तक बहुत अच्छा चला, एयरटेल और वोडाफोन भी बहुत अच्छा चला, और उसके बाद तीनों ही नहीं चले। हालांकि मुझे हैरानी ये थी कि जियो वहाँ पर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था रिकॉन्गपियो में, मेन मार्केट प्लेस में मैं ठहरा था। मुझे उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि शिमला के आगे शायद जियो उतना अच्छा नहीं होगा, तो जियो एक्चुअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस पीओ में अच्छा चला, जियो पीओ में अच्छा चला। और पर मुझे उम्मीद थी एयरटेल और वोडाफोन से, क्योंकि पुराने नेटवर्क्स हैं, और स्पीति में काजा, ताबो, ये बहुत प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, यहाँ पर कम से कम इन दोनों नेटवर्क्स को तो होना ही चाहिए था। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरह कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि एयरटेल नहीं चलेगा या वोडाफोन नहीं चलेगा। आमतौर पर ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में होता है, सिर्फ सरकारी वाला चलता है। हैरानी थी, मतलब कि काजा में, ताबो में, मतलब स्पीति के इन बहुत ही क्रूशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में वोडाफोन एयरटेल नहीं है, सिर्फ BSNL चलता है। तो अगर आपके पास BSNL की सिम है या MTNL है, तो क्योंकि BSNL MTNL एक ही बात है, सरकारी कंपनी है, MTNL का सब्सक्राइबर BSNL की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है MTNL के एरिया से बाहर हो जाने के बाद, और ऐसे ही BSNL का सब्सक्राइबर MTNL की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है मुंबई और दिल्ली में। तो अगर आपके पास MTNL और BSNL सिम नहीं है, और अगर आप स्पीति में आना चाह रहे हो, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी जाना चाहते हो, तो बेटर है एक सिम ले लें BSNL की या MTNL की। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ ATMs की। तो रिकॉन्गपियो में तो खैर ATMs थे, हालांकि मेरे को ज़रूरत पूरे ट्रिप में कहीं नहीं पड़ी है, मैं कैश लेके चला था। रिकॉन्गपियो में शायद ATMs थे, क्योंकि वो हेडक्वार्टर है किन्नौर का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पर शायद कुछ प्राइवेट बैंक्स के भी ATMs होने चाहिए, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने पर्सनली इनको देखा नहीं था। रिकॉन्गपियो से आगे मैं जब निकला तो पहुँचा काजा। काजा के बस स्टैंड के पास में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की काजा ब्रांच यहाँ पर है, और इसी के पीछे उसका ATM था। मेरे ख्याल से ATM यहाँ पर शायद इसी का है, ये मेन बाज़ार लगता है शायद काजा का। काजा के बस स्टैंड के पास में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, और वो बंद पड़ा हुआ था। बाद में लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि वहाँ पर ATM बहुत भरोसेमंद नहीं है, अक्सर बंद पड़ा रहता है। अब मैं आज शाम को पहुँचा हूँ ताबो। ताबो में SBI का ATM है, बिल्कुल PWD के रेस्ट हाउस के सामने, और मेरे सामने यहाँ पर है ताबो मोनेस्ट्री, उसके ठीक सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक और ATM। यहाँ लोगों से जैसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ATM SBI का ठीक काम करता है। तो ओवरऑल मेरा सुझाव ये है कि अगर आप स्पीति आते हैं तो अपने साथ में कैश रखें, ATMs पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। हो सकता है जैसे कि पिछले 2 दिन से ताबो में बिजली नहीं है, मतलब वो जो ATM इकलौता ATM है वो बंद पड़ा हुआ है, मैं आज मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसीलिए बेटर है कि आप कैश पहले से ही लेके चलें स्पीति में आने घुसने से पहले। आप या तो मनाली से आ रहे हो तो मनाली में आपको ATMs मिल जाएंगे, या अगर आप रिकॉन्गपियो से आ रहे हैं रामपुर या शिमला की तरफ से, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ATMs मिल जाएंगे। अब इंटरनेट की बात करता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर मेरा एयरटेल, वोडाफोन चलता ही नहीं था, जियो चलता ही नहीं था, इसलिए इंटरनेट था ही नहीं। बट आपको अगर मजबूरी में इस्तेमाल करना हो काजा में इंटरनेट को, तो वहाँ पर कुछ कैफ़ेज़ हैं, बट वो भी रिलायबल नहीं है। एक दो लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर्विसेज बहुत बेकार हैं, भरोसेमंद नहीं है। काजा में टेलीफोन लाइन्स काम नहीं करती हैं, बस स्टैंड पर टेलीफोन नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है जैसे इंटरनेट एक्सेस करने की, कुछ अर्जेंट काम है, तो काजा में आने से पहले या स्पीति में, इस इलाके में आने से पहले इसको आप कर लें, यहाँ हो सकता है कि परेशानी हो सकती है। इस पूरी यात्रा में इत्तेफाक ज़बरदस्त हो रहे हैं, ये वही बस है जिसमें मैं दिल्ली से रामपुर तक आया था,
वही एसी डीलक्स बस दिल्ली से रामपुर वाली, हो सकता है कंडक्टर्स और ड्राइवर्स भी वही होंगे। रामपुर से दिल्ली का किराया एसी बस में है 970 रुपीज़। एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, हम लोग बहुत कैशलेस वगैरह के ऊपर हमें बहुत प्राउड फील होता है, बट रियलिटी ये है कि दिल्ली में ज़रूर मुझे POS मशीन मिल गई थी, 970 रुपीज़ को मैंने स्वाइप करके पे कर दिया था, बट उसके बाद पूरी यात्रा में कहीं पर भी ना तो हिमाचल रोडवेज़ होटल्स कहीं पर भी ये सुविधा नहीं मिली, सब जगह कैश देना पड़ा। और इस वक्त हालत ऐसी है, मेरे जेब में सिर्फ 30-40 रुपये बचे हैं, टिकट के लिए 1000 रुपये बचे थे वो मैंने वहाँ दे दिए हैं, जबकि जो बेसिक नेसेसिटी कैशलेस के लिए है इंटरनेट, अगर ये होता तो शायद पेटीएम या इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं या सरकारी जो भी तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इंटरनेट काम करता ही नहीं है, और इंटरनेट जो बेसिक ज़रूरत है वो यहाँ चलता ही नहीं है, यहाँ मतलब स्पीति में कहीं पर नहीं था, काजा जिसको हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर इंटरनेट नहीं था। अब जैसे मेरा जो मेजर खर्चा था वो था ट्रैवलिंग में, स्टे में सबसे बड़ा खर्चा मेरा हुआ था स्टे में, 1000 रुपये मैंने दिए थे होम स्टे के लिए ताशीगंज में। अब वो तो खैर क्योंकि गांव है, बट मैं कंपैरिजन करूँ इसको एक छोटे से गांव किसी एक डेवलप्ड नेशन से, जैसे चेक रिपब्लिक में मैं एडम के घर गया था, एडम का घर बिल्कुल कहीं पहाड़ी पर था, अकेला घर जंगलों के बीच में। 3 अक्टूबर आज का दिन, और एडम के घर से अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, इस पहाड़ से नीचे उतरूँगा उस तरफ कहीं। चेक रिपब्लिक में मैं एडम के घर गया था, एडम का घर बिल्कुल कहीं पहाड़ी पर था, अकेला घर, और उसके पास में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन था जो हमारे शहरों में मिलता है, मतलब मैं वहाँ पर एक वीडियो को अपलोड कर पाया था, तो इतनी अच्छी सुविधा थी। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन रिलायबल हो, स्पीड अच्छी हो, तो वर्क कल्चर में ट्रांसपेरेंसी, कैशलेस वगैरह इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो सब हम ला सकते हैं, बट जब तक बेसिक जो ज़रूरत है इंटरनेट, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चाहे प्राइवेट कंपनीज़ हों, एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी, या सरकारी BSNL, जब तक रिलायबल ट्रस्टवर्दी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, ताशीगंज जैसे छोटे गाँव में, किब्बर, कॉमिक, हिक्किम और लांगजा जैसे गाँव में, तब तक कैशलेस बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोगों को अपने शहरों से बाहर निकलते वक्त हज़ारों हज़ार रुपए ATM से विड्रॉ करने पड़ेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कैश को कैरी करने में। खैर उम्मीद है चीज़ें अब सुधर रही हैं, ये भी सुधार आएगा, पर जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। फ़िलहाल ये बस निकलेगी 5 बजे, 4 मिनट बाकी हैं, और कल सुबह सुबह शायद 4 या 5 बजे इसको दिल्ली पहुँच जाना चाहिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं करनाल बाईपास पहुंच गया हूं मुकरबा चौक, और अब यहां से मैं निकलूंगा अपने घर के लिए, और शाम को मेरी ट्रेन है, और शाम को मेरी ट्रेन है आसनसोल के लिए सियालदह दुरंतो। एक जीन्स और 2 T-shirts के साथ में शुरू हुआ ये ट्रिप आज खत्म हो रहा है। मैं हूँ इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और मेरी गाड़ी आ चुकी है सियालदह दुरंतो। 24 तारीख को मैं दिल्ली से निकला था कश्मीरी गेट बस अड्डे से, हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस थी, उसने अगले दिन पहुँचाया, यानी दूसरे दिन पहुँचाया रामपुर बुशहर,
और रामपुर वो शहर से मैं पहुंचा रिकॉन्ग पियो उसी दिन। तीसरे दिन मैं पहुंचा काजा शाम को, और चौथे दिन चौथी शाम मैंने बिताई थी ताशीगंग नाम के एक छोटे से गांव में, और सिर्फ 15 से 20 लोग उस पूरे गांव में रहते थे, 4550 मीटर की ऊंचाई पर ताशीगंग। और उसके बाद फिर अगले दिन मैं वापस काजा आया, और वो रात मैंने बिताई थी ताबो में, और ताबो से नेक्स्ट डे मैंने बस पकड़ी और उससे मैं पहुंचा रामपुर बुशहर, और रामपुर बुशहर से वही बस मेरे को मिली थी दिल्ली के लिए जिसने मेरे को दिल्ली से रामपुर उतारा था। तो अब शाम को मैं नई दिल्ली स्टेशन पे आ चुका हूँ, मेरी ट्रेन आ चुकी है, करीब 2-2.5 घंटे ये लेट है ट्रेन इंडियन रेलवे जिंदाबाद, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन में। ये ट्रिप वाकई बहुत ज़बरदस्त था। स्पीति मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो एडवेंचर पसंद करते हैं और कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो स्पीति ज़रूर जाइए। स्पीति बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। और फिलहाल मैं अपना ट्रिप ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत ट्रिप पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मतलब खुदा आपकी हिफाजत करे।